फरीदाबाद में युवा संगठन और समाज सेवी संस्थाओं ने बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा का पुतला दहन कर भारत सरकार की जमीन पर घोटाले का आरोप लगाया है। समाज सेवियों का आरोप है कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। पिछले दिनों सरकार के भ्रष्टाचारों की आवाज उठाने वाले युवाओं पर मामले दर्ज करवाए गए। वहीं फरीदाबाद में आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण सौकंद पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई। वरुण का दोष सिर्फ इतना है कि उसने विधायक द्वारा सीएम अनाउंसमेंट की रिपोर्ट मांगी थी। फरीदाबाद में विपक्ष और कर्मचारी ही नहीं, अब समाज सेवियों ने भी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर उस वक्त देखा गया जब युवा संगठन और शहर के समाज सेवी संस्थाओं ने बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन के बारे में युवा संगठन के छात्र नेता जसवंत सैनी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्र पर एफआईआर दर्ज करवा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री से छात्रों की मांगों को लेकर मिलने वाले छात्र नेता पर पंचकुला में एफआईआर दर्ज की गई। अबोहर फरीदाबाद में आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण सौकंद पर एफआईआर दर्ज की गई। सैनी ने बताया कि वरुण सौकंद ने विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा सीएम अनाउंसमेंट करवाए जाने पर कार्य का विवरण मांगा था, क्योंकि जिस जमीन पर कार्य करवाया जा रहा है वह भारत सरकार की संपत्ति है, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली है।